छत्तीसगढ़ के दांतावाड़ा और सुकमा सरहद पर सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक नक्सली के ढेर होने की खबर मिली है। सुरक्षा बल और नक्सलियों में मुठभेड़ अभी भी जारी है। स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध गुरुद्वारा लोंग नथाल में धनधन श्री नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश पर्व बहुत ही धूमधाम से गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और समूह संगत के सहयोग से मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगत शामिल हुई। थाना समालसर शहीद पड़ते गांव मलके में पत्नी से परेशान तीन बच्चों के पिता ने सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। परिवार के सदस्यों ने उसकी जेब से प्राप्त किए सुसाइड नोट थाना समालसर की पुलिस को सौंपकर उसकी पत्नी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। किसानों के गन्ने की बकाया राशि और पूरा मूल देने की मांग को लेकर आज श्रोमणी अकाली दल द्वारा सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता और जिला गुरदासपुर के प्रधान गुरबचन सिंह बब्बेहाली के नेतृत्व में जिला हेडक्वार्टर पर विशाल धरना रोष प्रदर्शन किया गया। इस धरने में विक्रम सिंह मजीठिया समेत जिले की पूरी अकाली लीडरशिप शामिल थी। मंडी अहमदगढ़ शहर के पोश इलाके में चार हथियारबंद लुटेरों ने बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज प्रातःकाल यश पेंटर मोहल्ले के एक घर में दाखिल होकर लुटेरों ने हथियारों की नोक पर परिवारिक सदस्य को बंदी बनाकर वारदात को अंजाम दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले की जाँच शुरू कर दी गयी है। वारदात के दौरान लुटेरों द्वारा चलाई गयी गोली से एक महिला को घायल करने की भी खबर मिली है, जिसकी हाल खतरे से बाहर है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में नतमस्तक हुए। इसके बाद सिद्धू ने कहा कि सफर करते हुए यात्री एक अच्छा मनुष्य, अच्छा मित्र और एक अच्छा पड़ोसी बन जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 71 वर्षों से गुरुद्वारा करतारपुर साहिब तक पहुंचने के लिए करोड़ों लोगों द्वारा की गई दुआएं व अरदासें आज सम्पन्न हुई हैं और वह सबका धन्यवाद करते हैं। सर्दियों की शुरुआत में ही घने कोहरे का कहर शुरू हो गया। इसके चलते आज गुरदासपुर गांव के पंचग्राइया के पास पंजाब पुलिस की बस और ट्रैक्टर ट्राली के बीच टक्कर हो गई। इसमें 25 कर्मचारी घायल हुए हैं, वहीं साथ में एक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर बनी हुई है। सरकारी हाई स्कूल हरियाणा और खुर्द में जबरन किए गए अध्यापकों के तबादले के खिलाफ गाँव वासियों द्वारा स्कूल बंद कर दिया गया। अमृतसर के कंपनी बाग में आज पुलिस को बम और संदिग्ध व्यक्तियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस पर डीसीपी जगमोहन सिंह ने पुष्टि करते हुए कहा कि यहां कोई बम नहीं है और यह सिर्फ अफवाह थी, जिसकी सूचना मिलने पर तलाशी करवाई गई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बीते दिन हुए तालिबानी हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यह हमला तालिबान आतंकियों द्वारा बुधवार रात काबुल शहर के PD-9 में सेना के G4S कंपाउंड पर हुआ था।